नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री और पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेश किया। इस पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से सहमति दी और फिर राष्ट्रीय परिषद ने भी इस पर मुहर लगा दी। ये दोनों बैठकें रविवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने खुद को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा व्यक्त की और इस पर अपना निर्णय भी सुनाया। इनके इस निर्णय को सुनकर पार्टी के आला नेता भी चकित रह गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि वो क्यों अध्यक्ष पद से हटना चाहते हैं। सभी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपनी सहमति दी। जदयू की दो दिवसीय बैठक में देश की राजनीतिक हालात पर भी चर्चाएं हुई। आरसीपी सिंह जदयू के चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। पार्टी के पहले अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे अध्यक्ष बने थे। हालांकि अब चौथे अध्यक्ष आरसीपी सिंह होंगे। मुख्यमंत्री रहते जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने और पार्टी के लिए उपेक्षित समय देने में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए पार्टी अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं ताकि नया अध्यक्ष अपना पूरा समय दूसरे राज्यों के संगठन विस्तार में दे सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कही। जेडीयू के चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाएंगे। हम जिसके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं, किसी को भी हम धोखा नहीं देते। हमारी पार्टी सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ सकती। हमारा संस्कार बहुत मजबूत है जिसे कोई हिला नहीं सकता। नीतीश कुमार के खिलाफ मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था चरमरा गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच सहित सभी अस्पतालों में मरीज पलायन कर गए हैं। रविवार को 5वें दिन भी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखी। स्टाइपेंड की मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। पीएमसीएच, एनएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। पीएमसीएच में भर्ती मरीजों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड हो अथवा आईसीयू, रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण सीनियर डॉक्टर वार्ड में मरीजों की सुध लेने भी नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा मेडिकल कॉलेज के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ विधि सम्बद्ध कार्रवाई के संकेत दिए जाने के बाद हड़ताली डॉक्टरों पर पटना हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की तैयारी की गई है। पटना उच्च न्यायालय के CWJC 5641/2020 में पारित आदेशों की अवहेलना को लेकर हड़ताली डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा सकती है। रविवार को पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने जेडीए के अध्यक्ष व सचिव को इस संबंध में नोटिस जारी कर हड़ताल समाप्त करने को कहा है। उन्होंने हड़ताली डॉक्टरों को आगाह किया है कि अविलंब उनके कर्तव्य पर नहीं लौटने की स्थिति में उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में आदेश की जानबूझकर अवहेलना के संबंध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए न्याय से प्रार्थना की जाएगी। नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का टास्क सौंपा गया है। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। 20,000 बिजली बकायेदारों के घरों की बिजली कटेगी। पेशू सोमवार से इनके खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाने जा रहा है। ये वैसे बकायेदार हैं जो साल भर से अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किए हैं। इन पर बीते वर्ष दिसंबर से लेकर अब तक का बिजली बिल बकाया है। पेशू ऐसे बकायेदारों का प्राथमिकता के आधार पर बिजली कटेगा। उसके लिए इन सबों की सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही में वैसे बकायेदारों की भी बिजली कटेगी जिनके यहाँ 1 माह का बिल बकाया होगा। बिजली कंपनी का बकायेदारों पर 60 से 70 करोड़ रुपए बकाया है। बकायेदार इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। पेशू इसको लेकर रविवार को हर डिवीजन में सेक्शन स्तर पर बिजली बिल काउंटर खोला है ताकि लोग छुट्टी के दिन भी बिजली बिल का भुगतान कर सके।
बिहार में भले ही पिछले साल के मुताबिक इस साल संगीन अपराधों में कमी आई है, लेकिन बाइक चोरी जैसी घटनाओं में हर साल इजाफा होता जा रहा है। इस घटना से केवल पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोग की भी परेशानी बढ़ गई है। एनसीबी आरबी की रिपोर्ट पर नजर डाले तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछले एक साल में लगभग 18,51,50,000 रुपए की 3703 बाइक चोरी हुई है। वहीं हर महीने 1,50,00,000 और एक दिन में 5,00,000 रुपए से अधिक की बाइक चोरी हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। गया में रविवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। आईएमडी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गया सहित बिहार का दक्षिणी इलाका रविवार को देश के सबसे न्यूनतम तापमान वाले ग्रुप में सर्वाधिक ठंड रहा। जानकारी के मुताबिक पंजाब हरियाणा से भी कुछ कम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन यह सामान्य से केवल 2.5 डिग्री नीचे रहा। जबकि गया सहित दक्षिणी बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे चला गया। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसटीएफ न्यूज़।